राम राम, जय मां भारती, जय हिंदुस्तान, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच से साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबको बारंबार मैं धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार से आप लोग मेरे पॉलिटिकल एनालिस्ट को, ऑब्जर्वेशन को पसंद कर रहे हैं और अच्छे और बुरे जो भी आप कमेंट्स कर रहे हैं, उन सब के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। सबके कमेंट्स मैं पढ़ता हूं, रिप्लाई देना उतना संभव नहीं हो पाता, लेकिन कमेंट्स पढ़ने से निश्चित रूप से एक सीख मिलती है, समझने का मौका मिलता है, गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। देखिए, आज मैं रायपुर दक्षिण उपचुनाव की जो वोटिंग हो गई है उस पर एक आकलन विशेषण और समीक्षा लेकर आया हूं। हालांकि इसके पहले आप सबसे निवेदन है, मेरा कर वृद्ध निवेदन है कि 3-4 वीडियो मैं बनाया हूं रायपुर दक्षिण के ऊपर, उसमें मैं लगभग बता चुका हूं। लेकिन कई लोगों का कहना यह था, कई लोगों का पूछना यह था कि वोटिंग के बाद का क्या दृश्य है। आज मैं कोशिश करता हूं आपको वोटिंग के बाद का समीकरण समझाने का और वो सटीक बैठे और रिजल्ट के आसपास या रिजल्ट के करीब आए, ये भी मेरी कोशिश रहेगी। देखिए, आप उपचुनाव रायपुर दक्षिण उपचुनाव बृजमोहन अग्रवाल जी लोकसभा सांसद बनने से खाली हुआ। बृजमोहन जी अड़कर सिंगल नाम देकर सुनील सोनी जी को टिकट दिलवाए, जो पूर्व में महापौर, आरडी अध्यक्ष, सभापति, पार्षद, सांसद सब रह चुके थे। यहीं से कहानी शुरू होती है। और कांग्रेस ने अपने यंग लड़का, यूथ कांग्रेस और एनएसयू के प्रदेश अध्यक्ष रहा आकाश शर्मा, जो सुंदरनगर के निवासी हैं, और सुनील सोनी जी सदर बाजार के निवासी हैं, कांग्रेस ने आकाश शर्मा को टिकट दिया। फिर क्या था, मेरे इतने सारे आकलन विशेषण और समीक्षा जो मैं आप सबके सामने पेश किया, उन सब में मैं ये बताने की आपको कोशिश किया कि ये चुनाव आम चुनाव जैसा नहीं है। 2023 में बृजमोहन जी इस सीट को 67,000 से जीते, हाईएस्ट, अब तक का उनका हाईएस्ट था। 2018 में वो मात्र 17,000 से जीते। कारण ये था कि रायपुर की 4 सीट और आजू बाजू की 3 सीट, मतलब 7 सीट में एकमात्र सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है और 6 सीट भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। उसका प्रभाव दक्षिण में भी मिला, लेकिन ये बात तो तय हो गया कि बृजमोहन अग्रवाल जी का वो सुरक्षित गढ़ नहीं है। कैसे, अगर हवा के थपेड़ों में, हवा के दबाव में या एंटी कंबेंसी के दबाव में बृजमोहन अग्रवाल जी अगर आ गए, और पिछला चुनाव उसके पहले 2013 में वो लगभग 37,000 से जीते थे, किरणमय नायक जो मेयर थी, और उसके बाद वो 17,000 से जीतते हैं, जबकि हर 5 साल में लगभग 18-20,000 और बढ़ता है, उसके बाद भी 17,000 से जीते। इसका मतलब ये था कि बृजमोहन अग्रवाल जी का गढ़ ये मजबूत किलेबंदी का नहीं था, ये भी थपेड़ों को झेल नहीं पाया, दबाव को झेल नहीं पाया और हवा के रुख में बृजमोहन जी दब गए। अब बताया तो ये जाता है कि अगर कन्हैया अग्रवाल जी निश्चित रूप से अगर थोड़ा भी अच्छा मेहनत करते तो शायद 2-4-5 हजार का फैसला होता, लेकिन बात आई गई हो गई। मैं तो जानता हूं कि उस चुनाव को, जबकि जब आप पहले से मान लोगे कि बृजमोहन जी को हराया नहीं जा सकता, तो आप क्या खाप चुनाव लड़ोगे। लेकिन जानने वाले रायपुर के जानते हैं कि कन्हैया अग्रवाल जी ने पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ा, उसके बहुत सारे कारण हैं। अब क्या है, अब ऐसी क्या परिस्थिति हो गई, 8 महीना पहले 67,000 से जीतने वाले बृजमोहन जी अपने शागिर्द को उतारकर सुनील सोनी जी को, आखिर मेरे आकलन में कैसे वो टफ फाइट में फंस गए, उसका मैं आपको कारण बताता हूं बहुत संक्षेप में। देखिए, आप इस सीट में 8 महीना पहले
लगभग 60.48% वोट पड़ा था, मतलब इस बार 10% वोट कम पड़ा, 10% मतलब लगभग 27,000 वोट कम पड़ा। क्यों? अगर बृजमोहन अग्रवाल जी आकर्षक नेता हैं, अगर बृजमोहन अग्रवाल जी लोकप्रिय नेता होते और इन लोगों बृजमोहन जी ने जिस ढंग से भाजपा ने, भाजपा तो छोड़ दिया, भाजपा के नेताओं ने बृजमोहन जी ने जिस ढंग से बात की कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे को देख के वोट दो और मैं इस क्षेत्र का डबल विधायक बनूंगा, सांसद होकर एक काम करूंगा और ये मेरा आदमी है सुनील सोनी, ये जीतेगा तो डबल विधायक काम करेगा, मतलब 3 इंजन काम करेगा, केंद्र 4 इंजन, केंद्र विष्णुदेव साय, बृजमोहन जी और सुनील सोनी 4 इंजन काम करेगा। तब तो वोटिंग परसेंटेज 65% जो 2013 में था उसको क्रॉस कर रहा था, क्रॉस नहीं हुआ। पहला पॉइंट मेरा समझने का या आपको बताने का यही है कि बृजमोहन जी इस वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा पाए, मतलब ये चुनाव नीरस था, जनता की नजर में लोगों ने वोट नहीं डाला, 27,000 लोगों ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब ये था कि बृजमोहन अग्रवाल जी, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव हुआ है, ध्यान रखना, बृजमोहन जी के प्रति लोगों में नीरस का भाव आ गया, बृजमोहन जी की जो सुनील सोनी को जो टिकट दिलाने का जो मामला था उससे लोग नाराज थे और लोगों में इच्छा शक्ति या इच्छा नहीं रही कि वो घर से निकलकर वोट डाले, ये तो एक पॉइंट हो गया। तो जो 27-28 हजार वोट जो नहीं गिरा उसको मैं मानता हूं ये वोट उस इलाके के हैं जहां पर पैसे वाले लोग रहते हैं या जहां पर धनाढ्य लोग रहते हैं या पे उद्योगपति लोग रहते हैं, जैसे बिजनेस में लोग रहते हैं, जैसे कटोरा तालाब आपका शंकर नगर उत्तर माता कटोरा तालाब, प्रियदर्शिनी नगर, शैलेंद्र नगर, टैगोर नगर, ऐसे जो सदर बाजार, बूढ़ा पारा, ऐसे जो इलाके हैं जो धनाढ्य पैसे वाले, यहाँ पर लगभग 40-45% के आसपास पोलिंग हुई जहां तक मेरे को पता है। ये वोट भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटिंग करते आए थे बृजमोहन जी को और भाजपा को, जैसा भी आप समझे। तो 27,000 में मैं मान के चलता हूं कि 25,000 वोट मिनिमम भाजपा के कम पड़े, तो आप 1,07,000 जो वोट था 2018 में उसमें से सीधा 25,000 वोट कम कर दीजिए तो करीब करीब वो वोट हो जाता है, बचता है कितना, 80,000 जो भी आप समझ लीजिए। अब आप आइए कि इस चुनाव में मुद्दे क्या थे। एक तरफ ठीक है, कांग्रेस ने अच्छा प्रत्याशी दिया, युवा लड़का था, उसके खिलाफ कोई मामला नहीं था, कोई निगेटिव पॉइंट नहीं था, बनाने की कोशिश की बृजमोहन जी, नहीं बना पाए। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा के खिलाफ एक भी निगेटिव पॉइंट नहीं था जिसके आधार पर बृजमोहन जी को वोट मिलता, बल्कि पहली बार कांग्रेस दमदारी से चुनाव लड़ी, प्रदेश अध्यक्ष बहुत मेहनत किए, महंत जी बहुत मेहनत किए और जो आकाश शर्मा जी के ससुर हैं जो बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं राजेश तिवारी जी, वो पूरे चुनाव को संभाले और कई लोगों ने साथ दिया। कुल मिलाकर ये चुनाव इर्द गिर्द घुमा बृजमोहन जी के तानाशाही के खिलाफ, बृजमोहन जी के गलत फैसले के खिलाफ, सुनील सोनी के खिलाफ माहौल होना, सुनील सोनी जी का एक्टिव नहीं होना, सुनील सोनी जी का प्रभावी नेता नहीं होना और एक ही व्यक्ति को लगभग बराबर बार बार लगातार वही पद देना, RDA सांसद, महापौर, सभापति, पार्षद, ये प्रमुख मुद्दे थे जिसके कारण मैं मानता हूं कि 25-27 हजार वोट जो कम है उसमें बृजमोहन अब भाजपा के वोट थे, बृजमोहन के वोट थे 80,000 में आ जाइए। अब लगभग 58-60 हजार वोट कन्हैया अग्रवाल को मिला था 2018 में। अब आगे आते हैं, जैसे ब्राह्मण समाज ये देखता है अन्याय और अत्याचार कौन कर रहा है, किसने अन्याय और अत्याचार की सीमा लांघ दी। ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता, मैं सबकी बात से सहमत हूं, ब्राह्मणों ने आकाश शर्मा ब्राह्मण करके इसीलिए वोट नहीं दिया, ब्राह्मणों को यह लगा कि बृजमोहन जी तानाशाही कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सिंगल नाम दिया, जिस प्रकार से उन्होंने अड़ियल रुख अपनाया, जिस प्रकार से वो सब कार्यकर्ताओं को लेकर नहीं चले, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के से राय लेकर नहीं चले और मैं बृजमोहन, मेरा दक्षिण, मेरा पट्टा, मैं यहाँ का मालिक, यहाँ के लोग गुलाम, ये मेरी गुलामी एरिया या मैं यहाँ का बॉस, ये जो भावना थी इस भावना का ब्राह्मणों ने प्रतिकार किया, ऐसा मेरे को लगता है, जो मैं समझ रहा हूं, ये तो 23 तारीख को पता चलेगा अंतिम सत्र। तो 10-12 हजार वोट आप यहां पे कम कर दीजिए, सुंदरनगर,
लाखे नगर ब्राह्मण पारा 10-12 हजार वोट यहां कम कर दीजिए। अब आते हैं आप संतोषी नगर, संजय नगर, आपका चंगोरा भाटा, आपका जो चंद्रशेखर वार्ड जिसको बोलते हैं भाटा गांव इलाका, कुशालपुर, पुरानी बस्ती, कुल मिलाकर मेरे को लगता है बड़ा नेट टू नेट फाइट फंस गई। अगर 60 हजार को मैं बेस वोट मानता हूं, 40 हालांकि मिनिमम था 40 से 40 जो महंत जी पाए, 60 हजार अगर कन्हैया जी को दोनों के एवरेज में निकालता हूं तो 50 हजार को भी अगर मैं बेस वोट मानता हूं तो मान के चलिए मेरे को लगता है कि आकाश शर्मा जी 70 हजार के आसपास, 65-70 के आसपास आकाश शर्मा को वोट मिलना चाहिए। ध्यान रखना यह अनुमान है, रिजल्ट के बाद बड़े बड़े ज्ञानी आ जाएंगे आपको बताने के लिए कि देखो मुरारी मिश्रा ने ये कहा, मुरारी मिश्रा का ये गलत हो गया, मुरारी मिश्रा। अरे आप सबका मैं स्वागत करता हूं, चुनाव काउंटिंग के रिजल्ट के पहले बताइए ना, जो मैं जैसा बता रहा हूं साहब एक अनुमान रखिए। मेरे को ये लगता है कि जो 31 प्रत्याशी लड़े थे, 2 को हटा दीजिए, 29 प्रत्याशी निर्दलीय थे, इनको मैं 9-10 हजार वोट भी गिनता हूं, 9-10 हजार वोट नोटा को मिलाकर अगर मैं गिनता हूं तो 1,25,000 का मामला बनता है। 1,25,000 में जो 70-75 हजार वोट पा जाएगा वो जीतेगा। और मेरे को लगता है कि आकाश शर्मा भी इसी के आसपास बैठ रहे हैं, क्योंकि साहू वोट भी बटा है। एक तरफा जो 2023 में बृजमोहन जी को पड़ा था वो नहीं पड़ा। हाँ, मुसलमानों ने वोटिंग में बड़ा मायूसी दिखाई, निराशा व्यक्त किया। एजाज ढेबर के ऊपर बहुत सारी उंगली उठ रही है, मेरे पास बहुत सारे वोट हैं। एजाज ढेबर को यह लगा कि बार बार मेरे को टिकट नहीं देना, मेरे को रायपुर शहर की जनता के सामने नहीं लाना, या अपनी ताकत दिखाना चाहते होंगे कि मैं चाहूंगा तो मुसलमान वोट डालेगा, मैं चाहूंगा तो कांग्रेस जीतेगी, कुछ ऐसी भावना रही होगी। ये तो वक्त बताएगा, कांग्रेस के लोग तय करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, मुसलमान समाज जिस ढंग से वोट डाला था वैसा नहीं डाला, 50% के आसपास डाला, बल्कि ब्राह्मण समाज की वोटिंग 50% से ऊपर रही। कुल मिलाकर साहू समाज, उड़िया समाज, ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, सभी समाज के लोग, इवन व्यापारी लोग भी इस बार बृजमोहन जी की रणनीति, उनकी प्लानिंग, उनका टिकट वितरण, सुनील सोनी का सिंगल च्वाइस और दक्षिण को पट्टा बोना, अपने आप को अहंकार से परिपूर्ण रखना और जब देखो तब सिर्फ संसाधन का खेल करना, ये सब मेरे को लगता है कि इस बार जनता गजब का फैसला देगी और नेक टू नेक फाइट में ये सीट फंस चुकी है। मेरे को लगता है आकाश शर्मा अगर ये सीट को जीत जाए और इतिहास रच दे, जो मेरा पहला वीडियो आप उसको सुनना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा आकलन हो सकता है कि मैं 23 तारीख को गलत हो जाऊं। आपका जो भी कमेंट्स रहेगा गलत होने पे मैं उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं साइंटिफिक वे पे बात करता हूं, मैं तथ्यों पे बात करता हूं, मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करने की कोशिश करता हूं। और जितना प्रभु राम मेरे को बुद्धि, दिमाग, आकलन दिए, राजनीति को समझने की जो क्षमता दी, उसके आधार पर मैं आप सबके सामने रिपोर्ट कार्ड लेकर आता हूं। और देखिए, हरियाणा में सच हुआ, छत्तीसगढ़ में कोई नहीं बोलता था मैं बोला सरकार बनेगी, आपका 28 राज्यों में 23 राज्यों में आपका मेरा सटीक आकलन हुआ लोकसभा में, और महाराष्ट्र का आपको बता दिया सुनना, आप झारखंड का बता दिया आपका सुनना, इवन उत्तर प्रदेश के यूपी का 9 विधानसभा का भी मैं बता दिया हूं। आप यूट्यूब में जाकर सच से साक्षात्कार को सब्सक्राइब करके सुन लेना। यह चुनाव कटाकट लड़ाई का हो गया, एक तरफा चुनाव नहीं है। हो सकता है आकाश शर्मा भी ये सीट जीत जाए, इंतजार करिए रिजल्ट का। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी।